देश में निजी कंपनियों द्वारा संचालित पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस लखनऊ और दिल्ली के बीच में चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड ऐसे दूसरे मार्ग पर भी विचार कर रहा है और वह भी 500 किलोमीटर के क्षेत्र में होगा। अपने कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शनों के बावजूद रेलवे अपनी दो ट्रेनों के संचालन को निजी क्षेत्र में देने के 100 दिवसीय एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली लखनऊ मार्ग पर तेजस एक्सप्रेस की घोषणा साल 2016 में हुई थी और हाल ही में इसकी नई समय सारणी भी घोषणा कर दी गई है। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12585 सुबह 6:50 बजे लखनऊ जंक्शन से प्रस्थान करेगी और दोपहर को 1:35 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वही वापसी के समय ट्रेन संख्या 12586 नई दिल्ली से दोपहर 3:35 पर प्रस्थान करेगी और लखनऊ जंक्शन पर रात को 10:05 पहुंचेगी और ये ट्रेन रविवार और गुरुवार छोड़कर सभी दिन चलेगी। हालांकि ट्रेन की निगरानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC को दी जाएगी, जो कि इसका भुगतान करेगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि इन दोनों ट्रेनों को प्रायोगिक तौर पर दिया गया है और इसका संचालन 100 दिनों के अंदर शुरू होगा। हम ऐसे मार्गों की पहचान कर रहे हैं जिन पर ज्यादा लोग यात्रा करते हो और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हो। दूसरी ट्रेन के लिए भी सभी मार्ग जल्दी तय किए जाएंगे। तेजस में यात्रियों को प्रीमियम सेवाएं और सुविधाएं दी जाएगी। ट्रेन में विमान की तरह व्यक्तिगत LCD एंटरटेनमेंट कम इंफॉर्मेशन स्क्रीन ऑन स्क्रीन बोर्ड वाईफाई सेवा आरामदायक सीटें मोबाइल चार्जिंग व्यक्तिगत रीडिंग लाइट्स मॉड्यूलर बायो टॉयलेट और सेंसर टैप फिटिंग की सुविधाएं होगी। हालांकि लखनऊ और दिल्ली के मार्ग पर फिलहाल स्वर्ण शताब्दी समेत 53 ट्रेनें संचालित है। तेजस एक्सप्रेस के बारे में आप क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।